बात करेंगे दिल्ली से मिल रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां पर बिहार में जाति आधारित सर्वे मामला और ट्रांसजेंडर समुदाय की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो चुकी है। ट्रांसजेंडर्स ने बिहार में जातिगत सर्वे का विरोध किया था। पटना हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने समुदाय की ओर से दाखिल अर्जी को खारिज कर दिया है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। ट्रांसजेंडर कोई जाति नहीं बल्कि एक अलग ग्रुप है, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। दरअसल हाल ही में बिहार में जातिगत सर्वे हुआ था और इसी कास्ट सेंसस का विरोध किया था ट्रांसजेंडर समुदाय ने, और पटना हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया उसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। और अब बड़ी अपडेट ये कि सुप्रीम कोर्ट ने समुदाय की ओर से दाखिल अर्जी को खारिज कर दिया है और कहा है कि ट्रांसजेंडर कोई जाति नहीं है बल्कि एक अलग ग्रुप है। बड़ी खबर है ये इस वक्त की दिल्ली से। बिहार में हाल ही में कास्ट सेंसस हुआ था, जाति आधारित सर्वे हुआ था और इसी मामले को लेकर ट्रांसजेंडर समुदाय ने याचिका दायर की थी। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार नीरज ठाकुर जी हैं। नीरज जी, स्वागत है आपका सूर्य समाचार पर। सवाल आपसे यही कि जिस तरीके से बिहार में कास्ट सेंसस हुआ था, इसका विरोध किया ट्रांसजेंडर समुदाय ने, जिसके चलते उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की, लेकिन याचिका खारिज हो चुकी है, आगे क्या रास्ता है? साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है कि ट्रांसजेंडर कोई जाति नहीं है बल्कि एक अलग ग्रुप है, इसको कैसे देखा जाए? देखिए, जब से कास्ट सेंसस जो है बिहार सरकार ने जारी की है, उसके बाद से देश भर की राजनीति में काफी उबाल आ चुका है और लगातार इस पे हर तरफ से विरोध भी हो रहा है, समर्थन भी मिल रहा है, कई तरह के रिएक्शन मिल रहे हैं और ट्रांसजेंडर भी इसी का एक हिस्सा था। ट्रांसजेंडर का कहना था कि उनको उनको अलग से जो है उनकी कोई किसी तरह की गणना नहीं की गई है, उनको अलग से जातिगत जो व्यवस्था थी, जातिगत जो गणना हुई है, इसमें उनका अलग से कोई जिक्र नहीं है, इनके बारे में कोई बात नहीं की गई थी। इसको लेके राज्य सरकार ने उस वक्त कहा था कि देखिए, आप किसी जाति में नहीं है, आप कोई जाति में नहीं है, आप अलग वर्ग हैं और आप जिन जातियों में आप आते हैं वो उन्हीं का आप हिस्सा हो सकते हो। तो इसको लेके ये लोग हाईकोर्ट गए थे और हाईकोर्ट ने भी यही फैसला सुनाया था कि आप एक अलग ग्रुप हो, एक अलग वर्ग हो, आप जाति नहीं हो। और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर मोहर लगा दी है, तो जाहिर है कि उनकी ये मांग कि उनको उनके लिए एक अलग से व्यवस्था इस जातिगत गणना में हो, उनकी अलग से गणना की जाती, वो अब सिरे नहीं चढ़ पाया है, तो एक बड़ा झटका है। और फिलहाल अब इसके बाद उनके फिलहाल रास्ते बंद हो चुके हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट जो थी वो बिहार सरकार की जो जातिगत गणना थी उस पर भी रोक लगाने से उन्होंने मना कर दिया था, क्योंकि राज्य उनका कहना था कि हम रोक नहीं सकते हैं, तो सरकार अगर इस तरह से करती है तो वो उनका अधिकार मामला है, इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। फिलहाल एक और ये निपटारा एक तरह से एक जो पिटिशन है उसका सुप्रीम कोर्ट में हुआ है और जो ट्रांसजेंडर जो समुदाय है, जो वर्ग है, सुप्रीम कोर्ट ने भी माना, पटना हाई कोर्ट की जो दलील थी उसको माना कि ये एक अलग वर्ग है, कोई जाति व्यवस्था का एक हिस्सा नहीं है। बिल्कुल नीरज जी, अलग जाति में करने की मांग ये ट्रांसजेंडर समुदाय जो कर रहा है, इससे निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से झटका लगा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक आखिरी रास्ता होता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की ओर से ऐसी टिप्पणी करना और याचिका खारिज कर देना, क्या कोई अब विकल्प बचा है इस ग्रुप के पास? फिलहाल तो देखिए, क्योंकि ये अभी जो है वो एक छोटी बेंच का फैसला है, विकल्प ये हो सकता है कि वो हायर बेंच में जाए, सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बिठाएं, लेकिन ये मामला अभी तक फिलहाल इस तरह से लग नहीं रहा कि इस तरह की नौबत कोई आएगी। फिलहाल एक तरह से कहा जाए तो उससे ब्रेक लग चुकी है कि और ये लोग जो है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की मांग करेंगे, ऐसा भी फिलहाल। साथ ही नीरज जी, क्या ये मुमकिन हो सकता है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की तो ये भी कहा कि ट्रांसजेंडर को लेकर सरकार द्वारा अलग से एक लाभ मिल सकता है लेकिन अलग जाति नहीं बनाई जा सकती, तो क्या कोई बीच का रास्ता निकल सकता है? देखिए, ये सीधे सीधे तौर पर सरकार का मामला है, राज्य सरकार का मामला है। अगर वो फैसला ले कि जो एक अलग से उनके लिए किसी तरह के आरक्षण की व्यवस्था हो तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के ही किया जा सकता है और सरकार ये सब कर सकती है अगर इस तरह की कोई बात आती है। लेकिन फिलहाल जाति गणना के आधार पर और जातियों के आधार पर किसी तरह के आरक्षण का फायदा जो लेने की कोशिश हो सकती है वो फिलहाल नजर नहीं आता है। और लेकिन हाँ, ट्रांसजेंडर अगर किसी भी जाति विशेष में आते हैं और वो पहले से ही उस पूरी व्यवस्था का हिस्सा है, जो आरक्षण व्यवस्था उसका हिस्सा है, तो उसका फायदा वो लोग पूरी जो जाति ओबीसी हो या फिर दूसरी जो भी उनका स्टेटस हो उसके आधार पर उसका जो फायदा वो लोग ले सकते हैं।
नीरज जी, देखिए अलग जाति में शामिल करने की मांग के साथ साथ जिस तरीके से जो रिपोर्ट आई थी उसमें ये भी कहा गया था कि हमारी ट्रांसजेंडर्स जो हैं, हमारी संख्या को इस बार जब कास्ट सेंसस हुआ तो उसको कम दिखाया गया, ये भी इनका मुद्दा था। इसको लेकर अब क्या अलग से जो ये समुदाय है वो अपनी याचिका अलग से दायर कर सकता है? क्या ये दोनों चीज़ें अलग अलग चल सकती हैं या फिर जो पूरा मामला एक साथ चल रहा है जिसको लेकर याचिका दायर हुई थी, क्या इसको लेकर अब किस तरीके से जो ट्रांसजेंडर समुदाय है उनके पास विकल्प बच पाते हैं? क्या राज्य सरकार के पास दोबारा जाना होगा, पटना हाईकोर्ट का वापस रुख करना होगा, किस तरह के ऑप्शंस? देखिए फिलहाल तो क्योंकि ये मामला बंद हो चुका है, ये पिटीशन रद्द हो चुकी है, खारिज कर दी गई, लेकिन ये विकल्प हो सकता है कि सरकार के पास जाएं और मांग करें कि हमारे लिए इस तरह की कोई व्यवस्था हो, और सरकार ना माने तो फिर उसके बाद हाईकोर्ट विकल्प होता है या सीधे हाईकोर्ट भी जाया जा सकता है इस मांग के साथ ही, लेकिन हाईकोर्ट यही कहेगा कि पहले आप सरकार से बात करें। तो मामला काफी पेचीदा है और ऐसा एकदम से ऐसा लगे कि इसका कोई हल निकल सकता है फिलहाल नहीं है, लेकिन सरकार के ऊपर काफी हद तक ये निर्भर करता है कि सरकार इस पर किस तरह से फैसला लेती है। नीरज जी, क्या ऐसा मुमकिन है कि अगर ट्रांसजेंडर समुदाय वापस रुख करता है पटना हाईकोर्ट का और हाईकोर्ट अगर ऐसा कोई आदेश दे कि सरकार इसमें हस्तक्षेप करे, तो क्या उस दिशा में कोई रास्ता तब निकल सकता है? देखिए कोर्ट क्या फैसला लेता है इस पर हम स्पेकुलेशन कभी कर नहीं सकते, क्योंकि कोर्ट क्या सोचकर किन पहलुओं को ध्यान में रखकर ऐसा फैसला लेता है ये कहना मुश्किल होता है कि अगर हम ये पहले से मान लेकिन कोर्ट अगर ऐसा फैसला लेता है, क्योंकि कई ऐसी चीजें होती हैं जो कोर्ट इसमें देखता है, बाकी तमाम जो जाति हैं, बाकी जो वर्ग हैं, बाकी जो समुदाय हैं, उनका 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 किस तरह से वो इसमें हिस्सा है पूरे प्रोसेस में, वो उसको कैसे सही तरीके से किया जाता है वो सरकार से, कोर्ट भी इस बारे में सरकार से कह सकता है कि वो कोई रास्ता निकाले। फिलहाल लगता नहीं है कि इस तरह की फिलहाल कोर्ट कोई डायरेक्शन दे सकता है, लेकिन सरकार इस पर कोई फैसला लेगी उसके ऊपर अगर वो जो है लोग उस फैसले को नहीं मानने हैं तो वो कोर्ट जा सकते हैं, तो खुला विकल्प होता है, लेकिन फिलहाल क्योंकि ये एक सीधे सीधे प्रशासनिक मसला है जिसमें सरकार इस पर फैसला लेगी उनकी रिक्वेस्ट पर, उसके बाद ही आगे के कदम तय हो सकते हैं। ठीक है, नीरज ठाकुर जी, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और इस पूरे मामले को लेकर अपने विचार रखने के।